एक तरफ जल जनित रोगों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन स्वच्छ जल पीने की बात करता है, तो वहीं इसके विपरीत गुमारवी शहर से निकलने वाली गंदगी सीधे सीरखड्ड में मिल रही है। ऐसी में जल शक्ति विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रही है, क्योंकि लोग इसी खड्ड पर बनी पेयजल योजनाओं का पानी पीते हैं। ऐसे में ना जाने कितनी बीमारियों का खतरा लोगों पर बना हुआ है। इसे घुमारवी क्षेत्र के लोगों की तकदीर कहे या फिर जल शक्ति विभाग की मनमानी, पिछले एक साल से पूरे शहर की सीवरेज की गंदगी घुमारवी की लाइफलाइन कही जाने वाली सीरखड्ड में मिल रही है। पिछले एक वर्ष से लगातार शिकायतों के बावजूद हजारों की आबादी के शहर तथा साथ लगती कई पंचायतों को सीवरेज युक्त पानी पिलाया जा रहा है। जहां यह गंदगी सीरखड्ड के पानी में घुल रही है, वह स्थान नगर परिषद घुमारवी के दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। जबकि नगर परिषद घुमारवी के पदाधिकारियों ने भी इस लीकेज वाली जगह को पत्थरों से ढककर अपने काम से इतिश्री कर लिया है। समस्या के समाधान को लेकर कई बार लोग प्रशासन तथा जल शक्ति विभाग को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन सीरखड्ड में सीवरेज की गंदगी मिलने की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। इसके लिए कई बार स्थानीय लोग व संगठन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई हल नहीं निकल पाया है। खुले में बह रही इस गंदगी से हजारों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है तथा स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस गंदगी से सीरखड्ड का पानी भी काला पड़ चुका है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है। कोई भी इस पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। नगर परिषद के पदाधिकारी भी जो बड़े बड़े वादे कर नगर परिषद की कुर्सियों तक पहुंचे हैं, वह भी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं तथा इसे दूसरे विभाग का कार्य बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे। नमस्कार। शहर में जो सीवरेज व्यवस्था है उसका बहुत बुरा हाल है। मैंने कम से कम 3-4 बार पहले भी एक्शन आईपीएच को, एसडीओ साहब को, एसजी साहब को पहले बोला था कि हम बरसात से पहले पहले और गर्मी से पहले पहले इस जो सीवरेज की व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से ठीक ढंग से करें, मगर ये सुनने वाले नहीं है। हमने इनको 20 बार बोल दिया, नगर परिषद ने कम से कम 2 करोड़ रुपये दिया है और उसके रिपेयर के लिए पैसा आया, 40 लाख रुपए रिपेयर के लिए है, मगर आज शहर में ऐसी हालात ख़राब हैं कि जो डक्ट चैम्बर हैं वो डक्ट जो मल उत्तर है, मल जो मल इन सीढ़े से निकलता है वो सारा डक्ट पानी में सिरगढ़ में जा रहा है, जिससे कम से कम यहाँ गुमारवी से ऊपर से लेकर नीचे तक कम से कम 20 किमे पानी की हैं, जिससे इस गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। मैं बार बार इनको चेताना चाहता हूँ कि अगर कल को कोई बीमारी फैलती है उसके लिए आईपीएच विभाग जिम्मेवार होगा। अगर इन चैम्बरों को और इस सिस्टम को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो हम इसके ऊपर गड़ा संज्ञान लेंगे और इनके जो दफ्तर के बाहर धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए घुमारवी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।